गाइस रिलायंस एकेडमी से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स मैं इस वीडियो के एंड तक क्लियर कर दूंगा, और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में रिलायंस फाउंडेशन की जो एकेडमी है, उस जो फुटबॉल एकेडमी है, उससे रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। और ऐसा जो टाटा फुटबॉल एकेडमी अंडर 18 और अंडर 16 के लिए है, पर ये जो अकेडमी है ये अंडर 23 तक के लिए चल जाएगा, यानी कि इसमें स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक के अवेलेबल है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करेंगे RFYS यानी कि रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा अकेडमी है। अगर हम बात करें AIFF की रेटिंग्स के हिसाब से तो 5-स्टार अकेडमी और नंबर 1 बेस्ट अकेडमी इन इंडिया है। और मैं आपको बता दूं, AFC यानी कि जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, जो कि एशिया का फुटबॉल बोर्ड है, इसने भी इसको 2-स्टार रेटिंग दी हुई है और वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन इंडिया आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हाल ही में अक्टूबर में जो इनका फर्स्ट बैच आउट हुआ है, यानी कि 2015 से 2020 का जो फर्स्ट बैच आउट हुआ है, उसमें से 9 प्लेयर्स ISL की अलग अलग टीम में साइन हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, लिस्ट कुछ इस प्रकार है। केरला ब्लास्टर्स में अर्चिता दास, मोहम्मद बसित, बीरेंद्र सिंह, चेन्नई एन एफ सी में जी बालाजी, आकिब नवाब, इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। BFC में थॉय सिंह, मुंबई सिटी FC में आयुष चिक, हैदराबाद में कौस्तव दत्ता और FC गोवा में मोहम्मद नेमिल, जो चेन्नई एन FC की साइनिंग है उनकी 2 साल की है। और उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स जो चेन्नई के अलावा जो अकेडमीज में, उन सबकी 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट में साइनिंग हुई है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, हमने हाल ही में बात की थी टाटा फुटबॉल अकेडमी के बारे में, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात की थी कि टाटा फुटबॉल अकेडमी से 3 प्लेयर्स जमशेदपुर FC में सिलेक्ट हो गए हैं और जमशेदपुर FC को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस अकेडमी का जो फर्स्ट बैच आउट हुआ है, इससे 9 प्लेयर्स ISL की अलग अलग टीम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं और साइन हो चुके हैं। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अभी किस लेवल की हद तक की एकेडमी है, और मैं आपको आज कंप्लीट चीजें बताऊंगा कि आप इसमें कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्या इसका प्रोग्राम रहता है, कितनी इसकी फीस है, किस लोकेशन में ये अकेडमी है, और मतलब क्या क्या इसमें आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आपके सारे RFYS यानी कि रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स के बारे में जो भी आपके डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो अकेडमी है, इसका RYFS यानी कि रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स का एक प्लान है जो फुटबॉल के लिए अलग से है, उसका नाम है RFYC यानी कि रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप्स, जो स्टार्ट हुआ था 2015 में। तो गाइस पहले हम बात करते हैं कि RYFS यानी कि रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स का मोटिव क्या है। इसका मोटिव है कि हमारे नेशन को, हमारे कंट्री को एक मल्टीप्लेयर स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना स्कूल्स और कॉलेजेस के थ्रू। स्कूल्स और कॉलेजेस को कुछ ऐसे हिसाब से फैसिलिटीज और कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करना जिससे कि हमारा जो स्कूल्स और कॉलेजेस है वहां पे स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो। और मैं आपको बता दूंगा, इस जो मैंने आपको बताया था जो टाटा फुटबॉल अकेडमी अंडर 18 और अंडर 16 के लिए है, पर ये जो अकेडमी है ये अंडर 23 तक के लिए चल जाएगा, यानी कि इसमें स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक के अवेलेबल है एज ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं, काफी अच्छा चांस लगता है आप लोगों के लिए। बस आपको इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। तो गाइस पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसमें सेलेक्ट होने का प्रोसीजर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड होती है और इससे आप मतलब कैसे स्काउटिंग मतलब किस तरीके से होती है। एक पास्ट एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम्पल्स इसमें रह चुके हैं, जो लोग इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, वो कैसे सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था। तो गाइस काफी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें स्काउटिंग मतलब इसके मतलब इवेंट होता क्या है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग कॉलेजेस कंपीट करते हैं रिलायंस के टूर्नामेंट में, जो कि रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप्स का जो टूर्नामेंट होता है, ये अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जगह पे जोन्स में डिवाइड होता है, यानी कि जैसे नॉर्थ जोन, अलग अलग जोन्स में इसके टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। उसमें आपको पार्टिसिपेट होता है, ठीक है, जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऐसे नेशनल लेवल तक के टूर्नामेंट होते हैं। तो आप लोगों का, काफी लोगों का डाउट था कि इसके ट्रायल्स कब होंगे, कैसे सिलेक्शन होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें ट्रायल्स बेसिस पे नहीं, इसमें स्काउटिंग होती है, यानी कि जैसे टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है, और टूर्नामेंट चल रहा है और इसमें आपको मतलब आप पे स्काउट्स की नजर रहती है हमेशा कि कौन सा प्लेयर को हम पिक कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, कौन सा प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं गाइस, 20-22 के अराउंड बच्चे यहाँ पे जब भी इनके टूर्नामेंट्स या फिर जो भी स्काउटिंग होती है, ये देखो आप पिछला मेरा एक स्क्रीनशॉट देख लो, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो सिलेक्शन हुआ था इसमें 20-22 के आसपास बच्चों की सिलेक्शन होती है हर साल, और अलग अलग जोन्स में मतलब ओवरऑल जो कंट्री में से 20-22 के आसपास बच्चों की यहाँ पे सिलेक्शन होती है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं, बहुत सारे इसमें गेम्स और हैं, बहुत सारे इसमें कैटेगरीज हैं, गेम्स हैं जिसमें आप कम्पीट कर सकते हो। तो इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी एज ग्रुप्स क्या रहती है। अगर आप फुटबॉल में जाना चाहते हो तो फुटबॉल में क्या क्या कैटेगरीज है और हर कैटेगरी की क्या क्या एज ग्रुप्स है, स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए क्या क्या इसमें मतलब एज लिमिट्स और ग्रुप्स हैं, तो मैं उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूं पहले। तो गाइस बेसिकली इसमें 4 कैटेगरीज है, ठीक है, और जो 4 कैटेगरीज है वो अलग अलग आपका उसमें एक
कैटेगरी तो गर्ल्स के लिए, ठीक है, उसकी अलग एज ग्रुप्स है, और जो तीन कैटेगरीज है वो बॉयज के लिए है, इसमें कि आपकी एज ग्रुप्स अलग अलग है। तो मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये जो मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज ग्रुप्स का, ये है 2018-2019 का, तो आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हो। तो गाइस जो जूनियर बॉयज का है उसमें आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए 2002 के बाद की, यानी कि 2003-2004, 1 जुलाई 2002 के बाद की, और उसमें 7th से लेकर 10th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी एक टीम बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो सेकंड अपनी कैटेगरी है वो है सीनियर बॉयज की, और वो है अंडर 18, यानी कि 18 या फिर 18 साल से कम, और उसकी एज ग्रुप होनी चाहिए 1 जुलाई 2000 के बाद की, यानी 1 जुलाई 2000, और उसके बाद के बच्चे चल जाएंगे 2001-2002, ये सब चल जाएंगे, और क्लास है 11th और 12th, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है वो है 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स से कम वाली लड़कियों के लिए। इसमें क्या है, जो टीम है उसमें तीन गर्ल्स होनी चाहिए 7th और 8th क्लास के बीच में, और जिसकी जो एज एलिजिबिलिटी है वो है 1 जुलाई 2000 के बाद की, यानी कि 2001-2002 चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा लेवल है वो यहाँ पे देखने वाली बात है, अंडर 23, यानी कि 23 साल से नीचे वाले जो भी प्लेयर्स थे 2018-19 के हिसाब से, उस टाइम का जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, इसमें 23 ईयर्स यानी कि उस टाइम के हिसाब से 1 जुलाई 1995 के बाद वाले, यानी कि 1996-1997 1 जुलाई के बाद वाले, ठीक से, यानी कि अंडर 23 यानी कि 1 जुलाई 1995 के बाद वाले, यानी कि 1996-1997 1 जुलाई के बाद वाले, जो आप हिसाब लगा लो, ठीक है, और वो होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट कॉलेज की। अब मैंने आपको एज ग्रुप तो बता दी, अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इसमें कौन कौन से स्कूल्स, मतलब इसमें क्या होता है, स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं, और अलग अलग रीजन्स के होते हैं वो, और काफी ज्यादा आप उम्मीद लगा, जितने आप उम्मीद लगा सकते हो उससे भी काफी ज्यादा जगह के यहाँ पे रीजन्स के स्कूल कॉलेजेस रीजनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं इनके 32 अलग अलग जगह पे इनके स्कूल कॉलेजेस एनरोल्ड हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स आप लोकेशन के हिसाब से आइडिया लगा लेना, आप भी मतलब पता लगा सकते हो कि आप जिस स्टेट में रहते हो, आप जिस जगह पे रहते हो, क्या उस जगह पे इसका है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, इसके अलावा अगर नहीं होंगे तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा अभी इस वीडियो में। जो लिस्ट कुछ इस तरीके से, यानी कि जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस जो इनके अंडर आते हैं, मतलब जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी लिस्ट कुछ इस तरीके से है। जो जगह के नाम है वो है धर्मशाला, चंडीगढ़, लुधियाना, देहरादून, रोहतक, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागालैंड, इम्फाल, मेघालय, मिजोरम, जमशेदपुर, कोलकाता, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, वाइजैग, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मदुराई, इंदौर, पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, गोवा, कोझिकोड, कोयम्बतूर और कोची। तो इस तरीके से 32 जगह हैं, 32 ऐसी लोकेशंस हैं जहां के एनरोल्ड स्कूल कॉलेजेस इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैप भी दिखा दिया है मैंने आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप RYFS की वेबसाइट पे जाके भी लोकेशंस में आप चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कौन से बच्चे यहाँ पे पिक होते हैं, तो इस स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हो। अगर बेसिकली देखा जाए तो इतने सारे सेंटर्स हैं, ठीक है, इतने सारे सेंटर्स हैं, उसमें से इतने सारे बच्चे होंगे, हजारों की तादाद में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते, कितने होते बच्चे हर साल 20-22, तो आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो जो 20-22 बच्चे हैं उसमें से कैटेगरी के प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, मतलब जिन्होंने या तो टॉप स्कोरर, गोल्डन शू विनर्स या फिर ट्रॉफी विनर्स, टॉप स्कोरर्स, अच्छे परफॉर्मर्स, ऐसे ऐसे बच्चे मतलब जो मतलब एकदम टॉप वाला नॉच पार्टिसिपेशन करते हैं, वो वाले बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। अगर आप एक विनिंग टीम में हो, अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम में हो, वो भी नेशनल टूर्नामेंट्स में, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं यहाँ पे स्काउट होने के। और गाइस मैं आपको बता दूं जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, जो आप इमेजिन कर सकते हो, एकोमोडेशन, ट्रेनिंग, स्टडीज, जो आप इमेजिन कर सकते हो वो सब उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड होता है, और अच्छे तरीके की आप हिसाब लगा ही लो, 2-स्टार रेटिंग बाय AFC और AFS की नंबर 1 अकेडमी में आपको कैसी ट्रेनिंग मिलेगी, और उसके बाद अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट होते हो 5 साल का इसका मतलब 5 साल बाद इससे आप ग्रेजुएट होते हो, इनके जो भी इनका इंस्टीट्यूट है, जो इनकी अकेडमी है पुणे में, और उससे आप 5 साल बाद ग्रेजुएट होते हो, उसके बाद आपने देखा मैंने लिस्ट बताई थी आपको स्टार्टिंग में कि कितने कितने बच्चे यहाँ पे मतलब ISL में रिप्रेजेंट करने वाले हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, और फर्स्ट बैच था ये, अभी आप हिसाब लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी ये एकेडमी। और मैं आपको बता दूंगा इस अगर आपको इसमें रजिस्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्कूल या फिर अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज को आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और आप फिर उसमें रजिस्टर करके अपने अपने जोनल, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहां पे कम्पीट कर सकते हैं। और आप धीरे धीरे जैसे कि आपके कोई भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि पहले क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहले जोनल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है, फिर नेशनल होता है, ऐसे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हो आप, तब आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो और तब आप परफॉर्म कर के इसमें ऊपर चढ़ते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा आपको कैसे इसमें एनरोल करना है, और अपनी पूरी टीम के साथ इसमें एनरोल करना पड़ेगा, और आप यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इसमें कंपीट करने के लिए उतर रहे हो तो आपको जो भी आपकी ये क्या बोलते हैं जो भी आपकी टीम है ये कुछ ऐसे लेवल पे होनी चाहिए जो आपको एक अच्छे स्टेज तक आपको पहुंचा पाए, यानी कि स्टेट नेशनल्स में अच्छी अगर आप पार्टिसिपेशन रखोगे, क्योंकि
इतने सारे बच्चों में से 20-22 बच्चों को अगर उनको सिलेक्ट करना है तो वो मतलब बेसिकली आप भी सोचो कि जो टॉप वाली जो टीमें ऊपर करके आई है उन्हीं में से अगर सिलेक्ट करेंगे तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं ना। आप भी थोड़ा सोचो कि एक सिलेक्टर के लिए भी काफी टफ हो जाता है पूरे टूर्नामेंट में स्काउटिंग करके देखना, क्योंकि उनको चाहिए एक कंसिस्टेंसी, एक टैलेंट, एक खतरनाक तरीके का प्लेयर जो मतलब यूनिक हो। तो उसमें क्या होता है कि वो देखते हैं कंसिस्टेंसी, तो जो एंड में जो मतलब होल टूर्नामेंट जो अच्छा पार्टिसिपेट करता है अलग अलग लेवल्स पे उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ्स वगैरह दिखाए थे कि कैसे इसमें स्काउटिंग होती है, क्या इसका तरीका रहता है और कैसे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, तो गाइस इससे मैंने आपको काफी क्लियर कर दिया इस चीज के बारे में, इसकी अकेडमी कहाँ है, कैसे इसमें सेलेक्ट होते हैं, क्या इससे आपको चांसेस मिल सकते हैं और क्या इसका क्राइटेरिया रहता है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नया तो चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइज, पीस आउट।